से भी ज़्यादा ले सकते हैं अपने परिवार की क्वांटिटी के हिसाब से। मैं एक कटोरी बेसन ले लूँगी। अब जैसे हम पकौड़ों का बैटर करते हैं वैसे इसे कर लेंगे, बस इसमें कुछ भी नहीं मिलाना है हमें। ये बेसन ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के बैटर तैयार कर लेंगे इसका। ये देखिए हमने स्मूथ बैटर बना लिया है। अब इसके हम पकोड़े बना लेंगे। आप कैसे भी बना लिए, ज़रूरी नहीं है गोल बनाने हमें, क्योंकि उन्हें बाद में हमें ब्लेंड ही करना है जार में डाल के। ये बैटर देखिए ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए वरना कच्चा रह जाएगा हमारा बेसन, और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। अब हम बेसन के पकोड़े से बना के इसमें तल लेंगे। पकोड़ों का आकार कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने देसी घी लिया है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कीजिए, वैसे लड्डू के लिए देसी घी का ही यूज़ किया जाता है। आइए अब हम इसमें धीरे धीरे करके पकोड़े तल लेते हैं। मैं बड़े बड़े करूँगी ताकि कम टाइम लगे। कैसे भी बनाइए आप, क्योंकि मेन तो हमें बूंदी जैसा भी बना सकते हैं, कैसे भी एक झरले के उसमें हम बूंदी की तरह भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे ऐसे बनाऊंगा। देखिए मैंने इसे कर लिया है। अब ये इसको मैं हल्का ब्राउनिश होने देती हूँ। ये देखिए हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें उतार लेते हैं। ये कच्चे नहीं होने चाहिए, रेडिश कलर आना चाहिए इनके अंदर, तभी हमारे लड्डू अच्छे बनेंगे। ये सारे हम उतार लेते हैं। ये भी बने हैं, क्योंकि चाशनी डालने के बाद इनका कलर वैसे ही लाइट हो जाता है। वैसे तो हम फूड कलर का यूज़ करेंगे। ये देखिए हमने सारे पकौड़े इसके अंदर जार के अंदर डाल दिए हैं, और अब हम इन्हें कर लेंगे अच्छे से ग्राइंड। ये देखिए हमने अच्छे से इसे ग्राइंड कर लिया है, ये बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब हम इसकी चाशनी तैयार कर लेते हैं और इसमें ऐड कर लेते हैं इस मिक्सचर को, और फिर हम बनाएंगे अपने मोतीचूर को। अब हम बॉईल होने देते हैं। अब ये देखिए हमारा पानी बॉईल हो चुका है। अब इसमें हम एक कटोरी चीनी डाल लेंगे। चीनी डालने के बाद हम इसे हिला देंगे। अब जब तक ये मेल्ट हो जाती है फिर हम इसमें कलर ऐड करेंगे। इसमें हम ये दो इलायची कूट के डाल देंगे। ये देखिए हमारी चीनी में चाशनी तैयार हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं कलर, ऐड कर देते हैं कलर। हम थोड़ा ही ऐड करेंगे। ये देखिए इसका पूरा कलर चेंज हो जाएगा। इसको थोड़ी सी देर और पकने देंगे हम। ये देखिए हमारी चाशनी बंद हो बन गई है, बन के तैयार होगी। अब हम गैस को कर लेंगे बंद, और ये सारा डाल देंगे हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डाल के। अब ये हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। गैस को हमें बंद करके ये सारा कुछ मिलाना है इसके अंदर। ये देखिए हम अच्छे से तैयार हो गए हैं ये। अब जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम इसे काजू बादाम से गार्निश कर लेंगे। ये देखिए काजू बादाम हम ग्राइंड करके इसके ऊपर लगा देंगे। आप चाहिए तो मगध के बीज जो आते हैं वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो, जो आपकी इच्छा हो, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हमारे लड्डू तैयार हो जाएंगे। अब हम ये लड्डू बना लेंगे ठंडा होने के बाद। ये देखिए अब हम लड्डू को जो है ना रोल बना के कर लेते हैं। ये हमारा ठंडा हो गया है। लड्डू हमारे बाइंड हो गए हैं। आपसे गोल बने तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये हमारे मोतीचूर का लड्डू, इस पर हम काजू लगा देंगे। देखिए ये लड्डू हमारा हो गया है। ऐसे करके हम सारे लड्डू बना लेंगे। लड्डू को ऐसे करें वरना वो बाइंड नहीं होते अच्छे से।
देखिए ये देखिए, हम दूसरा भी अपना तैयार कर लिया है। ऐसे करके अब हम सारे लड्डू हमारी ट्रे में लगा लेंगे। ये देखिए